ओम शांति। 25 फरवरी साकार मुली। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद न आए। प्रश्न, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे, बाबा जो सुनाते वही सच है, हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी न लाए। बाप ने कहा है, हियर नो इविल। गीत ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य साथ। पहली पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। दूसरी पॉइंट, शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है, इस दुखधाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। वरदान, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। विस्तार, देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल वाइब्रेशन तमोगुणी वृत्तियां माया के वार इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। ओम शांति।